लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज एनएमएमसी आयुक्त से मुलाकात की और कोरोना उपचार इंतजामों की बजाय विकास कार्यों के टेंडर में समय बर्बाद करने पर प्रशासन की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से लोग आज जान गंवा रहे हैं, कोविड नियंत्रण इंतजाम कम पड़ने लगे हैं, ऐसे में महानगर पालिका पर्याप्त आरोग्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की बजाय टेंडरबाजी में उलझी हुई है। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने सत्तारूढ़ सरकार पर कोरोना वैक्सीन की सप्लाई पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर सिस्टम नहीं सुधरा तो वे नवंबरकरों के लिए आंदोलन भी करेंगे। देखिए रिपोर्ट। मैंने बोला कि टेंडरबाजी कल भी कारखाने में नहीं है, आज लोगों की जान बचाने की टाइम है। जो भी फंड है वो आरोग्य सेवा में, एजुकेशन में और जो प्री मानसून की जो योजना है उसमें खर्चा करो। क्या अभी टेंडरबाजी बंद करो, बस हो गया। ये जो पैसा है आरोग्य सेवा में और वेंटिलेटर 1000 वेंटिलेटर लाओ ना। नया रास्ता बनाना है, नया ब्रिज बनाने जरूरत है, लेकिन ये टाइम नहीं, ये प्रायोरिटी नहीं है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज महानगर पालिका कमिश्नर अभिजीत बांगर से मुलाकात की और नवंबरकरों के लिए जानलेवा बने कोरोना नियंत्रण में नाकाम प्रशासन की जमकर खिंचाई की। गणेश नाइक ने कहा कि आज वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड और आरोग्य सुविधाएं कम पड़ रही हैं, लेकिन पूर्व सूचना के बावजूद भी मनपा ने जो इंतजाम किए वे सारी आरोग्य सुविधाएं आज नाकाम और नाकाफी साबित हो रही हैं। उन्होंने नाम लिए बिना सांसद राजन विचारे और मनपा आयुक्त के दौरे पर भी सवाल उठाया और कहा कि आज सड़क और ब्रिज बनाने का वक्त नहीं है, बल्कि जानलेवा बने कोरोना को रोकने का वक्त है, लेकिन महानगर पालिका टेंडरबाजी में उलझी हुई है। उन्होंने चर्चा के दौरान आयुक्त से तल्ख भाषा में कहा कि टेंडरबाजी बंद करो और उन पैसों से 1000 वेंटिलेटर मंगाओ ताकि नवंबरकरों की जान को बचाया जा सके। मेरा कहना इतना ही है कि अभी टेंडरबाजी बंद करो, बस हो गया। ये जो पैसा है आरोग्य सेवा में और वेंटिलेटर 1000 वेंटिलेटर लाओ ना। आज लोगों को जान जाने से बचाना ये पहला कर्तव्य है, साथ ही साथ में एजुकेशन जो बच्चों लोगों का ये भी आगे आगे बढ़ना चाहिए। नया रास्ता बनाना है, नया ब्रिज बनाना जरूरत है, लेकिन ये टाइम नहीं, ये प्रायोरिटी नहीं है। ये प्रायोरिटी का अभी ये पेंडेमिक जो वक्त है, इस कालखंड में ये दूसरे चीजों को आगे जरूरत का है, लेकिन उस पर आगे सोचा जाएगा। आज काली आरोग्य सेवा पे ध्यान दें। गौरतलब है कि वर्तमान में अभिजीत बांगर नवंबर मनपा के प्रशासक हैं, यहाँ गणेश नाइक की सत्ता और नेतृत्व है। संभवतः इसी राजनीतिक रंजिश में नवंबर को कोरोना उपचार सुविधाएं मुहैया कराने में राज्य सरकार की ओर से पक्षपात किया जा रहा है। गणेश नाइक ने जोर देकर कहा कि यह पक्षपात पहले नवंबर को कोरोना नियंत्रण फंड देने में हुआ और अब कोरोना वैक्सीन देने में हो रहा है। उन्होंने सत्तारूढ़ सरकार को इशारों में कहा कि दुश्मनी हमसे करो, पार्टी से करो, लेकिन नवंबरकरों की सेहत और जिंदगी के साथ ऐसा करना बड़ा अन्याय है। गणेश नाइक ने कहा कि जनता यह अन्याय नहीं सहने वाली है, इसलिए जरूरत पड़ी तो हम इसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। मैंने ये बोला है, इतना अनुभव होने के बावजूद भी अभी जो सिस्टम चला है वो अपडेट नहीं है। थाना में, कल्याण में जो पॉपुलेशन है उसकी तुलना नई मुंबई से करें तो नई मुंबई को यदि थाना में 100% जा रहा है तो नई मुंबई 60%, 40% का डिफिसिट है। मैंने बोला कि निधि देने के मामले में यदि आप लोगों ने निधि प्लस माइनस किया तो हमें कुछ नहीं है, लेकिन वैक्सीन के बारे में यदि आप लोग इस दर का अन्याय करोगे तो नई मुंबई की जनता आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि नई मुंबई की जनता के प्रति ये एक अन्याय की भूमिका ले रहे हैं। किसका गुस्सा किस पे निकाल रहे हो ये गलत है। मेरा कहना है कि राजनीति के तौर पे हमारे भी गुस्सा होगा, हमारे साथी लोगों पे करो, लेकिन जनता को जो भी सुविधा देनी है उसमें कुछ पैरिटी डिफरेंट मत रखो। ये ऐसा विनती पत्र मैंने मुख्यमंत्री जी को
उप मुख्यमंत्री जी को, आरोग्य मंत्री जी को और ये आरोग्य सचिव जी को लिखा है, नहीं सुधारना हुई तो हमें एजिटेशन भी करना पड़ेगा। इस अवसर पर पूर्व महापौर सुधाकर सोनाव ने सागर नाइक, पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व महापौर जयवंत सुतार, वरिष्ठ नेता दशरथ भगत समेत तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। यहां वरिष्ठ नेता दशरथ भगत ने कहा कि सत्तारूढ़ सरकार की कमाऊ नीयत से ही नवम्बई का आरोग्य सिस्टम ध्वस्त हो गया है। उन्होंने गणेश नाइक की निरंतर पहल की सराहना की और कोविड केयर इंतजामों को तत्काल बेहतर बनाने पर जोर दिया। राजकारण क्या हो रहा है, सत्ताधारी हो, विरोधक हो, जो कुछ है वो स्टेट में हो और किधर भी हो, लेकिन इस समय स्टेट गवर्नमेंट का जिस तरह से ध्यान होना चाहिए उस तरह से जो ध्यान क्योंकि उन्होंने जब हर कारपोरेशन या नई मुंबई कारपोरेशन ने जो कुछ सिस्टम लगाया था वो सिस्टम किसके कहने पर निकाले, राज्य शासन बताया, राज्य शासन ने कुछ कंट्रोल किया, राज्य शासन ने निर्देश करना चाहिए था कि बाबा सेकंड वेव्स आने वाला है, आप सतर्क रहो। राज्य शासन, केंद्र शासन हमेशा कह रहे हैं कि सेकंड वेव्स आने वाले है, सेकंड लहर आने वाली है, जो पूरा प्रदेश में हो रही है, चालू है, उधर अभी थर्ड पे चालू है, अब हम सेकंड में है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि ये अभी जिस तरह से ये जो सिस्टम है पूरा कोलैप्स है सिस्टम, और ये कोलैप्स सिस्टम में लोगों का जान जा रहा है, लोगों का परेशान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।